हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टूडे आई एम इन सरोजनी नगर टू डू द समर शॉपिंग। नाउ समर इज अराउंड द कॉर्नर और यहाँ पर भी समर का कलेक्शन आ चुका है बिल्कुल। तो बट आई हैव बीन लिटिल अर्ली टूडे। यूजुअली गर्मियों में 10 बजे खुल जाती है बट आज 10 बजे मार्केट अभी तक ओपन नहीं हुई है, स्टिल ओपनिंग। तो मैं बस ऐसे ही घूम रही हूँ देखने के लिए क्या क्या है क्या नहीं। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का कलेक्शन। जैसे ही हम गेट नंबर 1 से मार्केट में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर थड़ी ने इन भैया ने बैग्स की दुकान लगा रखी थी जिसपे हमें स्लिंग बैग या क्लचेस सब वैरायटी देखने को मिल रही थी और आप कोई सा भी बैग ले सकते थे 200 रुपीज़ में। उसके बाद ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप थी होम डेकोर के लिए। यहाँ पे ये फ्लावर्स 100 से 200 के बीच में थे। और उसके आगे जैसे थोड़ा सा आगे चले तो ये चेक की शर्ट की दुकान थी, लेडीज शर्ट की, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट थे एंड क्वालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। हर शर्ट का प्राइस 200 था, तो 200 फिक्स प्राइस था इनका, तो 200 में आप कोई सी भी शर्ट उठा सकते थे। एंड इनके साथ ही लगी हुई थी ये एक टेपर्ड जीन्स की स्टॉल, तो इसमें मुझे ये मूव कलर बहुत अच्छा लगा एंड ये भी 200 की थी, तो मैंने इन मूव कलर वाली जीन्स को परचेज किया यहाँ से। एंड फिट भी काफ़ी अच्छा आया है मुझे एंड कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है। उसके साथ ही ये भैया नेकलेस देने आ गए थे तो ये 150 का बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद मैंने इनसे यहाँ से 50 में परचेज किया इसको। एंड ये कितने क्यूट सॉफ्ट टॉयज है, मतलब ये इतने क्यूट लग रहे थे देखने में ही। तो इनमें से मैंने एक ये पिंक पिग वाला एंड एक यहाँ पे कैटरपिलर है वो जैसू जीशा के लिए परचेज किया है। देखो कितने क्यूट है ये। तो ये सब 100 रुपीज़ में थे। उसके बाद है ये लेडीज लोअर की शॉप, यहाँ पे कोई सा भी लोअर आप ले सकते थे 150 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छे प्रिंट थे इनके एंड कॉटन में थे, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी इन सारे लोअर्स की। इसके बाद थे ये शॉर्ट्स, तो गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है तो अब शॉर्ट्स निकल आए हैं। ये कॉटन वाले शॉर्ट्स थे 50 रुपीज़ ईच। इसके अगली शॉप पे थी ये लॉन्ग ड्रेसेस जिनका प्राइस था 450 ईच, तो इनको बार्गेन करके कम कर सकते थे। एंड देन ये नाइट वेयर का सेट था, इनका भैया 550 बोल रहे थे, 500 में देने को वो बोल रहे थे बट अगेन बार्गेन करके आप इनको आराम से 250-300 के अराउंड ले सकते थे पूरा सेट। उसके बाद जो सबसे अच्छा कलेक्शन था सरोजनी का इस बार वो थी कुर्तियाँ। तब ये कुर्तियों का पैटर्न, इनका डिज़ाइन, इनकी क्वालिटी, सब कुछ इतना अच्छा था ना, मतलब मुझे पूरी मार्केट में अब की बार कुर्तियाँ ही अच्छी लगी है। इनकी क्वालिटी इतनी मक्खन जैसी स्मूथ थी एकदम। एंड ये चिकन की कुर्तियाँ देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, सब 350 ईच थे बट मुझे अभी की कुर्तियों की ज़रूरत थी नहीं तो मैंने ख़रीदे नहीं। बट घर आके मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं ख़रीदी, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी थी इनकी, एकदम ही परफेक्ट थी ये, और 350 मुझे इनके लिए बिल्कुल वर्थ लगा। तो अब की बार आज का अगर हम देखें तो यही था सरोजनी में जो सबसे अच्छा आइटम था मुझे लगा, क्वालिटी वाइज भी, कलर वाइज भी एंड डिज़ाइन वाइज भी, तो कुर्तियाँ ही सबसे सुंदर थी। एंड ये लेना तो बनता था बट मैंने नहीं लिया, वो मेरी गलती है। उसके बाद ये ऊपर वाली जो कुर्तियाँ थी ये भैया 550 बोल रहे थे पर मैंने नीचे वाली चेक की थी जो काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद ये थे स्टॉल गर्मियों में चेहरा वेरा ढकने के लिए, तो ये 80 रुपीज़ ईच थे। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, अगर हम दो लेते तो 150 में मिल रहे थे बट इनका फिक्स प्राइस था। क्वालिटी ये कॉटन में बने थे और क्वालिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो यहाँ से मैंने एक स्टॉल परचेज किया 80 वाला। इनमें आपके पास बहुत सारे कलेक्शन थे एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट थे, तो काफ़ी सारे कलेक्शन देखने को मिल रहे थे। स्टॉल की सारी शॉप पे लगभग सेम से ही थे वैसे तो पैटर्न। तो इसके बाद ये इनर वियर थे लेडीज़ के 100 रुपीज़ ईच में। एंड देन ये जेंट्स शॉर्ट्स थी
इस पे गैप का टैग लगा हुआ है, ये वो बोल रहे थे 200 ईच। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, कपड़ा मटेरियल अच्छा था। इसके बाद ये बेल्ट की शॉप थी, अगेन वही 100 150 ये सब बोल रहे थे। मैंने एक बेल्ट परचेज की 40 रुपीज़ में, काफ़ी देखने में काफ़ी सुंदर है। एंड देन वी हैव दीज गर्मियों के लोअर, सब पे फ्लोरल प्रिंट्स, चेक्ड प्रिंट, ये इस टाइप के प्रिंट्स थे। कपड़ा काफ़ी स्मूथ था, 100 रुपीज़ ईच थे एंड काफ़ी डिज़ाइन थे, पैटर्न काफ़ी अलग अलग था। नेक्स्ट स्टॉल पे ये क्रॉप शर्ट स्टाइल टॉप थे, 100 रुपीज़ ईच, इनमें भी काफ़ी पैटर्न थे। गर्मी आ गई है तो शॉर्ट्स बाहर आ गए हैं, यहाँ पे शॉर्ट्स डूंगरी सेट मिल रहे थे, तो ये भैया 350 की लगा रहे थे ये शॉर्ट्स, बट बाद में वो मुझे 100 में देने को लिए तैयार हो गए थे। एंड नेक्स्ट स्टॉल पे ये कितने प्यारे एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन वाले इयररिंग्स हैं, तो इन इयररिंग्स में मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे एंड सारे डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, काफ़ी सारे कलर्स के ऑप्शंस थे। तो इनका भैया 200 प्राइस लगा रहे थे बड़े वालों का, बट डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारे थे एंड लगभग सारे कलर्स अवेलेबल थे, तो आपके सारे लुक सॉर्टेड है, सारे एथनिक वियर के साथ ही ये चलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस थे कलर्स के, डिज़ाइन के। एंड जो हुप इयररिंग ये ले रहे थे भैया, ये 50 रुपीज़ ईच थे, अगेन अगर आप बारगेन कर सकते हो तो शायद कम भी हो जाए। एंड उसके बाद थे ये प्लाजो सेट, प्लाजो की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, ये चिकन वाला मतलब एकदम मक्खन की तरह था। एंड देन हम लोगों के पास यहाँ काफ़ी सारे अलग वेरिएशंस भी थे कलर में, डिज़ाइन में, तो आप अपने एथनिक वियर के साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं। ये 200 ईच थे। एंड ये देखो कितनी प्यारी क्लिप है बालों में लगाने के लिए, यहाँ पे बो स्टाइल में भी है एंड देन ये पर्ल वाली भी है, तो इनमें से हम कोई सी भी ले सकते थे 30 रुपीज़ में, काफ़ी सुंदर थे। एंड देन ये फुटवेयर का कलेक्शन, कितने ज़्यादा डिजाइन है एंड काफ़ी चमक भी थी इनमें, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो मैंने इनमें से ये जो साइड में रखा है ग्रे वाला, ये लिया है 200 रुपीज़ में दिया है, कोई से भी उठा सकते थे हम ये 200 रुपीज़ में, पहनने के बाद काफ़ी सुंदर लग रहा था। इसके अगली शॉप पर ये शेयर नेट वाले टॉप्स थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और इनके पास काफ़ी फ्लोरल प्रिंट वाले कलेक्शन भी थे टॉप्स के, तो फ्लोरल प्रिंट्स बहुत सुंदर थे। एंड अगेन गर्मी आ गई है तो अब तो फ्लोरल का ही ट्रेंड शुरू होगा। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल थे एंड 200 में ईच थे, कोई सा भी आप निकाल सकते थे इनमें से, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, मटेरियल अच्छा था। इसके बाद अगेन नेकलेस की एक शॉप थी, इसमें आपको जंक ज्वेलरी देखने को मिलेगी बेसिकली, तो कोई सा भी नेकलेस आप इनमें से निकाल सकते थे 100 रुपीज़ ईच में, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। एंड देन वी हैव दीज ब्यूटीफुल बैग्स, अगेन ये लेडीज़ के हैंड बैग्स थे, स्लिंग बैग्स, तो इनमें स्लिंग बैग्स थे, क्लचेज थे एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लचेज थे, तो आप कोई सा भी उठा सकते थे 200 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी एंड इनमें काफ़ी चमक भी थी। उसके बाद थी ये कलरफुल शॉर्ट्स, जिनको आप ले सकते हो 200 रुपीज़ ईच में। इसके आगे मिल रहे थे गर्मियों के स्टॉल, फ्लोरल प्रिंट्स में थे एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी, 100 रुपीज़ ईच में, काफ़ी प्यारी क्वालिटी थी, एकदम स्मूथ थे, कॉटन में थे सारे, तो ये भी एक अच्छा वर्थ है। एंड इसके बाद ये देखो फाइनली फ्लोरल ट्रेंड्स आ गया है, तो ये बॉयज़ की शर्ट थी, वो बोल रहे थे 350 ईच, बट वही बार्गेनिंग के बाद आप कम करा सकते थे। एंड देन वी हैव दीज सीक्वेंस टॉप्स एंड सीक्वेंस ड्रेसेस, तो इनमें भैया बोल रहे थे 350 ईच, बट आपको बार्गेन करके वो दे सकते थे 150 में, इतने के अराउंड आपको इजीली मिल सकती थी ये। इनमें काफ़ी सारे वेरिएशंस थे कलर्स के एंड डिजाइंस के, तो पार्टी वियर काइंड ऑफ के लिए थे ये सब।
उसके बाद थे ये फ्लोरल प्रिंट्स में टॉप्स एंड किमोनोज, ये भी काफ़ी अच्छे मटेरियल के थे। इनका भी उन्होंने बोला कि कोई सा भी हम पिक कर सकते 350 ईच में, बट अगेन बारगेनिंग के बाद कम में मिल सकता था। एंड अब जैसे कि समर आ गई है तो सब कुछ फ्लोरल्स में स्टार्ट हो गया है। अगेन ये फ्लोरल प्रिंट्स में आपके पास स्कर्ट थी जो 100 रुपीज़ ईच थी, इनके फिक्स प्राइस थे, आप कोई सी भी उठा सकते थे। एंड ये देखो कितने प्यारे सुंदर ईयरिंग्स का कलेक्शन है, आपके हर कपड़े के लिए सॉर्टेड है। तो इनमें भैया 200 रुपीज़ ईच बोल रहे थे। उसके बाद अगेन ये फ्लोरल प्रिंट्स वाले टॉप्स का कलेक्शन ले रखा था एक अंकल ने, तो इनमें काफ़ी अच्छे अलग अलग प्रिंट देखने को मिले थे एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। 100 रुपीज़ ईच थे एंड समर वाइब्स दे रहे थे बिल्कुल ही, तो 100 रुपीज़ में कोई सा भी पिक कर सकते थे। बट अब की बार उतना ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिला मुझे सरोजनी में, हर दुकान पे सेम सा ही कलेक्शन था। एंड प्लस ड्रेसेस एंड इंस्टाग्राम ट्रेंडी जो टॉप्स थे वो भी नहीं थे अब की बार, एंड ड्रेसेस का कलेक्शन भी नहीं आया है अभी से अच्छा वाला, तो सब कुछ ऐसे रिपीटेड ही सा ही लग रहा था। एंड बेसिकली अप टू द मार्क तो नहीं था, सरोजनी वाली बात तो नहीं थी आज। एंड देन ग्रेफ्टी लेन में फिर से वही सब वाइट शर्ट यही मिल रहा था मुझे, तो वहाँ पे वाइट शर्ट ही देखने को मिली। उसके बाद अपोजिट साइड में थे ये डेनिम्स में, एंड अभी भी वहाँ पे विंटर के कुछ जैकेट्स वगैरह रखे हुए हैं जो अभी से निकले नहीं हैं। तो ग्रेफ्टी लेन में काफ़ी कुछ देखने को था नहीं इतना कुछ फेमस सा। ये डेनिम शर्ट भैया बोल रहे थे 250 में, बट अगेन वो बारगेन करने के लिए तैयार थे। मैंने यहाँ से एक वाइट शर्ट ख़रीदी 110 रुपीज़ में। उसके बाद ये वाले फ्लोरल प्रिंट्स वाले टॉप, क्यूट क्यूट क्रॉप टॉप टाइप, तो ये 250 ईच थे, कोई सा भी उठा सकते थे हम। एंड ये एक सीयर नेट वाली ड्रेस थी जो 350 बोल रहे थे। एंड उसके बाद ये लड़कों की प्यारी प्यारी टी शर्ट अगेन प्रिंट वाली, तो ये भी 200 रुपीज़ ईच थी, कोई सी भी ले सकते थे। तो इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड अगर आपने ये वीडियो इंजॉय किया हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा।